मुरैना जिले में सड़क हादसे की घटना सामने आई है जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला अपने बच्चे को लेकर बस का इंतजार कर रही थी और इसी दौरान तेज रफ्तार लूटिंग वाहन ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना मुरैना जिले के पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मरा के पास हीरामन रोड की है। यहाँ 35 वर्षीय रीना यादव अपने 3-4 साल के बच्चे के साथ हीरामन के दर्शन कर लौट रही थी और सड़क किनारे खड़े होकर बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान अंत गति से आए लूटिंग वाहन ने माँ बेटे को टक्कर मार दी जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बालक गंभीर रूप से घायल है। केलारस अस्पताल में प्राथमिक इलाज चल रहा है। सर, क्या घटना घटित हुई जिसका आपने पीएम किया? अभी जैसे कि बताया गया, ये महिला का नाम है रीना यादव, 35 साल की है। 12 बजे के आसपास अपने अस्पताल में आई तो बताया गया कि इसका एक्सीडेंट हुआ है मरा गाँव पहाड़गढ़ साइड में। जब अस्पताल CSC पे पहुंची अपने केलारस में तब ये मृत अवस्था में आई तो जांच करने को पता चला कि नाक से खून बहा है बहुत सारा और एक पीछे के सर के पीछे की साइड ऑक्सीपिटल रीजन बोल रहे हैं वहाँ खून जम गया है, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। हमारे पास जब आई थी तो ना उसकी सांस चल रही थी, ना पल्स थी, BP नॉन रिकॉर्डेबल था। ये सारी घटना हुई है। कितने लोग घायल हुए उसमें? घायल बताया गया कि एक तो ये महिला जो हमारे पास आई थी वो है, इसके अलावा एक इनका छोटा बच्चा और था जिसके भी सर में चोट थी और उसको थोड़ी सी बेहोशी हुई, उल्टी हुई, इस वजह से उसको मुरैना भेज दिया। उम्र कितनी रही होगी सर बच्चे की? बच्चे की उम्र रही होगी 3 से 4 के आसपास। आपका नाम सर? मेरा नाम है डॉक्टर पंजाब सिंह, मैं मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ इस अस्पताल में। थैंक यू सर। हाँ सर, क्या मामला है? सूचनाकर्ता सियाराम शिवराम पुत्र बंटी यादव, 35 साल निवासी कैमरा घाल, न्याय जिला अस्पताल CHC अस्पताल में सूचना दी, केलारस में सूचना दी कि हम लोग हीरामन के दर्शन करने के लिए गए थे। जैसे हम लौट करके आम रोड हीरामन मोड़ पर किराए के पास में बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे खड़े थे तो एक मैक्स गाड़ी वाला, लोडिंग मैक्स वाहन वाला आया, अपनी गाड़ी को तेजी व लापरवाही पूर्वक चला कर लाया और मेरी बुआ में और मेरे बुआ के लड़के अर्पित में एक्सीडेंट कर दिया और एक्सीडेंट लगने से उसकी मेरी बुआ की रीना की मौत हो गई मौके पर, जिसको लेकर मैं CHC केलारस आया तो उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और मेरे अर्पित बुआ के लड़के को जिला अस्पताल मुरैना के लिए रवाना कर दिया।